जय सियाराम। मैं पंडित विंध्य प्रकाश पांडे, वैदिक ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री और अंक विद्या शिरोमणि, स्वागत करता हूं आपका कुंडली टीवी के कार्यक्रम आज का राशिफल के अंदर। आइए जानते हैं आपका आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज दिनांक 28 जनवरी 2020, आज दिन मंगलवार, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया, चंद्रमा कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र है, सूर्यदेव उत्तरायण में। आज का राहु काल 15:15 से 16:34 तक रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के राशिफल से। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि को आज मित्रों से लाभ होगा, रोग से मुक्ति होने का योग बना हुआ है, धन का आगमन आज आपको होगा, कार्यस्थल में सफलता मिलेगी, आज भाग्य आपको वृद्धि प्रदान करेगा। आपके लिए आज का उपाय है, शाम को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, आपका दिन शुभ होगा। बात करते हैं अगली राशि वृष राशि की। वृष राशि वालों को आज माता से लाभ होगा, घर में सुखपूर्ण वातावरण बना रहेगा, कार्यस्थल में भी लाभ होने का पूरा पूरा योग है, आज का दिन आपका मंगलमय रहेगा। आपके लिए आज का उपाय, चलते हुए पानी के अंदर एक मुट्ठी चीनी डालें, आपका दिन शुभ होगा। बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि संतान से चिंतित हो सकती है, एजुकेशन में रुकावट आने का योग बना हुआ है, लड़ाई झगड़े का भय रहेगा, विवाह कार्य में रुकावट आ सकती है, मान सम्मान की हानि होने का योग बना हुआ है। आपके लिए आज का उपाय रहेगा, घर के अंदर लक्ष्मी गणेश की स्थापना करें, इससे आपके सारे विघ्न दूर होंगे। बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लंबी चलने वाली बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, कर्ज से मुक्ति का भी आपका योग बना हुआ है, एजुकेशन फील्ड के अंदर काम करने वाले और विद्यार्थियों को शिक्षा का लाभ होगा, धन आगमन का योग बना हुआ है। आपके लिए आज का उपाय रहेगा, खीर बना के धर्मस्थल में दान करें, आपका दिन शुभ होगा। बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, यदि आप चाहें तो विदेश यात्रा आपकी सफल होगी, परिवार में अतिथि के आगमन होने का योग बना हुआ है, आज आपके घर में अतिथियों का आना जाना लगा रहेगा, संतान की चिंता बनी रह सकती है, संतान पे विशेष ध्यान दें, जीवन साथी से आज लाभ होने का आपको पूरा योग बना हुआ है। आपके लिए एक छोटा सा उपाय, घर के अंदर क्रिस्टल से बने हुए कछुए की स्थापना करें, ताकि आपके घर धन और समृद्धि का आगमन हो। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज अचानक ही जीवन में परेशानी आ सकती हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी नुकसान की संभावनाएं बनी रहेंगी, पारिवारिक सदस्यों का थोड़ा ध्यान रखें, स्वास्थ्य बिगड़ने का योग बना हुआ है, कार्यस्थल पर भी परेशानी रहेगी। आपके लिए आज का उपाय है, घर के अंदर हनुमान जी की स्थापना करें, आपकी सभी परेशानियाँ दूर होंगी। बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि वालों के भाग्य में वृद्धि का योग बना हुआ है, इनके सभी काम पूरे होने वाले हैं, पिता के आशीर्वाद से इनको लाभों की प्राप्ति होगी, मित्रों से भी सहयोग का योग बन चुका है। आपके लिए आज का उपाय, घर के अंदर मीठी रोटियां बनाकर भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद रूप में उन्हें स्वयं ग्रहण करें, आपका दिन शुभ रहेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। कार्यस्थल पे उन्नति का योग है, मित्रों से सहयोग मिलेगा, आपके सभी काम पूरे होंगे, धन हानि का योग बना हुआ है, पैसे के लेन देन से बचें, अचानक ही चोट लगने का योग बना हुआ है, ध्यान से वाहन का प्रयोग करें, आपके लिए आज का उपाय, हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाइए, आपका कार्य सिद्ध होगा। बात करते हैं अगली राशि धनुराशि की। धनुराशि वाले पदोन्नति में रुकावट प्राप्त कर सकते हैं, हो सकता है आपकी कोई प्रमोशन होने वाली है, उसमें रुकावट आने का योग बना हुआ है, जीवन साथी से कुछ अनबन होने का योग है, कृपया व्यर्थ विवाद में ना फंसें, धन के लाभ का योग तो है ही, उसके साथ ही साथ आज यात्राओं से भी आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए आज का उपाय, चलते हुए पानी में सिक्का प्रवाहित करें, आपका दिन शुभ होगा। बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। मकर राशि विदेश यात्राएं करने से सुखों को अनुभव करेगी, आज आपके लिए विदेश यात्रा होने का योग बना हुआ है, पिता से भी धन का लाभ होने का योग है, कुटुंब के अंदर शुभ समाचारों का आगमन होगा, आज आपके कंपटीटर्स के ऊपर आप जीत दर्ज करेंगे, धन प्राप्ति का आपका योग बना हुआ है। आपके लिए आज का उपाय है, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, आपका दिन शुभ होगा।
बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि को स्वास्थ्य का लाभ होगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, धन लाभ का योग बना हुआ है, जीवन साथी से भी लाभ होगा, लेकिन आज आप लंबी दूरी की यात्राएं ना करें, यात्राएं करना शुभ कर नहीं रहेगा। आपके लिए आज का उपाय, लाल रंग के वस्त्र न धारण करें। बात करते हैं अगली राशि मीन राशि की। कार्यस्थल पे प्रतिकूल वातावरण रहेगा, थोड़ा ध्यान दें। पदोन्नति में किसी व्यक्ति विशेष की वजह से रुकावट आने का योग है, यात्राएं करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके लिए आज का उपाय है, महामृत्युंजय का जाप करें, 11 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़कर बाहर निकले, आपके सभी काम पूर्ण होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अपने बारे में और जानने के लिए कुंडली टीवी को फेसबुक के ऊपर लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।